पीटीआई की छोड़ी हुई 3 सीटों पर जिमनी इलेक्शन, पोलिंग के 2 घंटे रह गए, जल्दी करें, सुस्ती ना दिखाएं, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन का 2 टोक ऐलान, कराची की NA 247, PS 111 और PK 71 पिशावर में वोटिंग 5 बजे बंद हो जाएगी। खवातीन भी कौमी फरीजे की अदायगी में पेश पेश। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची में अपनी ही छोड़ी सीट के लिए वोट कास्ट कर लिया। लकी स्टार पर पीटीआई और एमक्यूएम के कारकों नामने सामने, नारेबाजी के बाद रेंजर्स अहलकार ने मामला कंट्रोल कर लिया। शहर कायद में दोनों सीटों पर तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजबूत। पुलिस अहलकारों को धमकियां देने वाली डॉक्टर कानून के शिकंजे में आ गई। इस्लामाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करके 1 रोजा रिमांड दे दिया। तिबी मुआयने के रिपोर्ट क्लियर आने की सूरत में जेल भिजवाने का हुक्म। डॉक्टर शहला ने बगैर नंबर प्लेट गाड़ी रोकने पर बदतमीजी की थी। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख की सिविल हस्पताल आमद, चालान से दिल बर्दाश्ता होकर खुदसोजी की कोशिश करने वाले रिक्शा ड्राइवर की अयादत की। कहते हैं रिक्शा ड्राइवर का 150 से ज़ायद का चालान नहीं होगा, कोई रिक्शे वाला चालान ना भर सका तो वो भरेंगे। पुलिस की नाइंसाफी सामने आई तो सख्त एक्शन होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार मीरपुर आजाद कश्मीर पहुंच गए। मंगला डैम का दौरा, पावर हाउस और डैम में ताजा तरीन पानी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। चीफ जस्टिस ने मंगला कले का भी विजिट किया। सहराए थर में कहत साली और बच्चों की अमवात पर जामे रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। इमरान खान का थर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, मुतालिका इदारों को रिलीफ पैकेज की तैयारी का हुक्म दे दिया। वजीर आजम की जानिब से गुरबत मिटाओ प्रोग्राम का ऐलान भी आइंदा माह मुतवक्के। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा, हुकूमत का मजीद 2 शहर शामिल करने का फैसला। डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ को भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया गया। हाउसिंग टास्क फोर्स और हुकूमती वफ्द अगले हफ्ते साइट विजिट करेगा। पहले मरहले में फैसलाबाद में पायलट प्रोजेक्ट पर काम जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान कल से गैर मुल्की दौरों का आगाज करेंगे। पहले मरहले में सऊदी अरब जाएंगे। फरमारवा शाह सलमान समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। इमरान खान अगले मरहले में 28 अक्टूबर को मलाइशिया और 3 नवंबर को चीन के सरकारी दौरे पर जाएंगे। पंजाब में ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम जारी। मुल्तान में जिले इंतजामिया का पीरा गायब, रोड पर ऑपरेशन, सरकारी जमीन बागजार करा ली गई। गैर कानूनी शेड्स, थड़े, मिसमार, रेडी बानों को भी हटा दिया गया। अमले के साथ ताजरों की मजाकमत। गवर्नर हाउस लाहौर और कोयटा में सैरो तफरी के लिए शहरियों का जोशो खरोश। संडे की छुट्टी मनाने और मौसम एंजॉय करने फैमिलीज की बड़ी तादाद पहुंचने लगी। लाहौर में मिनी जू, झील और पहाड़ी समेत दीगर मकामात पर रश। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज की दहशतगर्दी, मजीद 8 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। कलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट समेत टेली मवासलात की सर्विसेज बंद। शहरियों के साथ झड़प में 2 भारतीय फौजी जख्मी भी हुए। अफगानिस्तान में पार्लियामानी इंतखाबात के दूसरे रोज भी दहशतगर्दी। सूबा नंगरहार में धमाके के नतीजे में 6 बच्चों समेत 11 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी।
गुज़श्ता रोज़ पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान भी मुतअद्दिद धमाके हुए थे। हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन के करीब मुसाफिर तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। लैंडिंग के दौरान छोटा ड्रोन जहाज के करीब आते देखकर पायलट ने इंतहाई दलेरी से जहाज को मोड़कर 250 से ज्यादा मुसाफिरों की जान बचा ली। एयरलाइन तर्जुमान ने वाकई की तस्दीक कर दी। और गवादर में खतरों के खिलाड़ी एक दूसरे पर सबकत लेने को बेकरार। तीसरी गवादर ऑफ रोड रैली का आखिरी राउंड जारी। नादिर खान मक्सी पहले, नौशिरवान दूसरे और बाबर खान की गाड़ी तीसरे नंबर पर ट्रैक पर रवाना हुई। खवातीन ड्राइवर्स भी खतरनाक ट्रैक पर अपनी महारत दिखाने में मसरूफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे ज़िमनी इंतखाब के हवाले से और आपको ये भी बताएंगे कि थर के बासियों के लिए वफाकी हुकूमत क्या करने जा रही है। मैं हूँ सुमेरा मिर्जा। तो सबसे पहले आपको बताएं, पीटीआई की छोड़ी हुई 3 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। पोलिंग के 2 घंटे रह गए हैं, जल्दी करें वोट डालने के लिए निकले, वक्त बहुत कम है। कराची के NA 247, PS 111 और PK 71 पिशावर में वोटिंग 5 बजे बंद हो जाएगी। खवातीन भी कौमी फरीजे की अदायगी में पेश पेश हैं। पीटीआई की छोड़ी हुई 3 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, पोलिंग के 2 घंटे रह गए, जल्दी करें। कराची के NA 247, PS 111 और PK 71 पिशावर में वोटिंग 5 बजे बंद हो जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात का दूसरा मरहला, NA 247 और PS 111 में पोलिंग जारी। ख्वातीन किसी से पीछे नहीं, बुजुर्ग शहरी भी व्हीलचेयर पर पोलिंग स्टेशन पहुंचे। सदर मुमलिकत ने अपनी छोड़ी हुई नशिस्त पर NA 247 में वोट कास्ट किया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहरियों को वोट के लिए निकलने का मशवरा दिया और बढ़ती महंगाई से लाइल्मी का इजहार कर दिया। जिस पार्टी को भी वोट देना है तो आपके ऊपर फर्ज है, आप निकल कर आए और वोट दें। महंगाई किसकी वजह से बढ़ी है मुझे तो नहीं मालूम, आपको पता है 15 दिन में और 1 महीने में महंगाई अचानक कैसे बढ़ सकती है। NA 247 से PTI उम्मीदवार आफताब सिद्दीकी ने मुखालफीन को जमानतें जब्त करने का यकीन जाहिर किया। ये वन साइडेड इलेक्शन है और शाम में ये बात साबित भी हो जाएगी और कुछ लोगों की जमानतें भी जब्त होंगी इंशाल्लाह। PSP चेयरमैन मुस्तफा कमाल रणछोड़ लाइन में वोटरों का दिल जीतने में मगन रहे और हलवा पूरी का नाश्ता भी किया। लकी स्टार के करीब PTI और MQM के कारकुनों में टाकरा हुआ, एक दूसरे के खिलाफ दिल की भड़ास भी निकाली। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने DA कॉलेज में वोट कास्ट किया। मीडिया ने पोलिंग स्टेशन में जाने की इजाज़त ना मिलने पर बायकॉट कर दिया। गवर्नर सिंध मीडिया से बात किए बगैर रवाना हो गए। अभी आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की खाली करदा नशिस्त PK 71 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है। PTI के उम्मीदवार गवर्नर शाह फरमान के भाई जुल्फिकार और ANP से ताल्लुक रखने वाले मुतहदा ओपोजिशन के उम्मीदवार सलाहुद्दीन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पिशावर के नवाह में PK 71 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। हल्के पर PTI के जुल्फिकार और मुतहदा अपोजिशन के सलाहुद्दीन समेत 3 आजाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मुतहदा अपोजिशन के सलाहुद्दीन ने पोलिंग के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। सिक्योरिटी के हवाले से जितने भी इंतजाम किए गए हैं हम सेटिस्फाइड हैं उनसे और अभी तक किसी ने कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की इत्तला नहीं दी। हल्के पर मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमा की जानिब से ज़ाब्ते अख़लाक़ की खिलाफ वर्जी भी सामने आई। इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी
کے باوجود مسجد سے لاؤڈ سپیکر پر انتخابی مہم چلائی جاتی رہی۔ قبائلی ضلع خیبر و در ادم خیل سے متصل حلقے میں پولنگ کے لیے سیکورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ 51 ہمارے سینسیٹیو پولنگ اسٹیشن ہیں اور 35 موسٹ سینسیٹیو ڈکلیئر کیے گئے ہیں۔ موسٹ سینسیٹیو جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان میں تقریباً 10 جوان ہمارے ڈیوٹی کر رہے ہیں اور سینسیٹیو پہ 8 جوان ہمارے ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ پی کے قطر میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 132,426 ہے۔ گزشتہ اتوار کو ہونے والے ضمنی انتخاب کے پہلے مرحلے کے مقابلے میں پشاور میں ووٹوں کا ٹرن آؤٹ زیادہ رہا۔ پولنگ اسٹیشنز پر خواتین ووٹرز کی دلچسپی بھی نظر آئی۔ کیمرامین کیس خلیل کے ساتھ فوزیہ زیب، 92 نیوز، پشاور۔